लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। अब एक सप्ताह देरी से इस दिन प्रदेश में पहुंचेगा मानसून कोटा। इस साल मानसून प्रदेश में अगले सप्ताह तक प्रवेश करने की मौसम विज्ञान द्वारा संभावना जताई जा रही है। मौसम की अटकलों को देखते हुए हाड़ौती के धरती पुत्र खरीफ की बुवाई की तैयारियों में जुट गए हैं। हंकाई जुताई में लगे हैं, खेतों में रात दिन ट्रैक्टर फराटे मारते नजर आ रहे हैं। खरीफ की बुवाई के लिए किसान बीज की व्यवस्था करने में जुटे हैं। बीज विक्रेताओं के यहाँ सोयाबीन मक्का के बीज की पूछ परख कर रहे हैं। वहीं कई किसानों ने पहले से ही धान की रोपाई का मानस बना रखा था, जिन्होंने खेत के एक हिस्से में धान की पौध तैयार कर ली थी। यह है मानसून की वास्तविक स्थिति। मौसम विभाग के अनुसार मानसून कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र को पार करता हुआ आधे छत्तीसगढ़, उड़ीसा तक पहुंचा गया, जो धीरे धीरे मध्य भारत के पठारी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। पठारी क्षेत्र में अभी भी गर्मी का असर होने से मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है, जो 24 जून तक मध्य प्रदेश में प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। मानसून प्रदेश की सीमा में 27 जून तक प्रवेश करने की संभावना है। गत वर्ष भी प्रदेश में 27 जून को मानसून सक्रिय हो गया था। 1 जुलाई को कोटा में मानसून की पहली बारिश हुई थी। हाड़ौती के मौसम का हाल। हाड़ौती में गुरुवार को दिन भर तेज धूप रही, लोग धूप गर्मी उमस से परेशान रहे। ज्यों ज्यों सूरज चढ़ता गया, उमस गर्मी का असर भी बढ़ता गया। दोपहर में हवा थमने के बाद कूलर पंखों की हवा भी बेअसर रही। शाम को कुछ क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही भी रही। बूंदी जिले में दिन भर तीखी धूप निकली, शाम को बादल छाए, लेकिन गर्मी का असर बरकरार रहा। झालावाड़ जिले में सुबह तेज ठंडी हवाएं चलने से मौसम सुहावना रहा, दिन में उमस का असर रहा।